हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर सेफ होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले 3 ऐसे लक्षणों के बारे में जो कि ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि अगर वो लक्षण आपके अंदर दिखाई देते हैं तो इसका मतलब आपको बेबी बॉय होने वाला है। लेकिन गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको ज़रूर बता दूँ कि ये वीडियो जेंडर प्रेडिक्शन को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देती है। ये जो वीडियो होती है वो जो गर्भवती महिलाओं को जानने की इच्छा रहती है कि गर्भ में लड़का है या लड़की है, उसी को कम करने के लिए होती है। अगर आप वीडियो को देखकर कोई भी गलत कदम उठाते हैं तो उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास जो नोटिफिकेशन की बेल है उसको ज़रूर ऑन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला लक्षण ऐसा माना जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइन हो गई है, बहुत ज़्यादा चमकदार हो गई हैं, पहले की तुलना में लंबे हो गए हैं, तो इसका मतलब बेबी बॉय होने के चांस होते हैं। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि अगर आपके जो बाल रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं, तो लड़की होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर मैं खुद के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो देखिए, 2 महिलाओं में ये अलग अलग सिम्टम्स देखा गया था। मेरे बाल बहुत ज़्यादा शाइनिंग हो गए थे, लंबे हो गए थे, तो बेबी बॉय हुआ। इसके अपोजिट 2 और महिलाएं थी जानकारी में, उनके बाल बिल्कुल झड़ गए, रूखे हो गए, स्किन भी बिल्कुल डल हो गई, लेकिन उनको भी बेबी बॉय हुआ। तो फ्रेंड्स, ये जो सिम्टम्स होते हैं ये सारे हमारी बॉडी के अंदर जो हॉर्मोनल चेंज होते हैं उसी के आधार पर ये माने जाते हैं, लेकिन कुछ हद तक ये सच भी साबित हो जाते हैं। सेकेंड सिम्टम्स ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चे की जो हलचल होती है वो लेट से स्टार्ट हो, मतलब कि 5वें महीने के बाद स्टार्ट हो, 5वें महीने के लास्ट से शुरू हो, तो लड़का होता है। और अगर आपकी जो बच्चे की हलचल जल्दी से शुरू हो जाती है तो इसका मतलब आपने लड़की को कंसीव किया है। तो जो ये सिम्टम्स होता था ये काफ़ी हद तक सच हो सकता है, क्योंकि ये सिम्टम्स मेरे ऊपर बिल्कुल सही साबित हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे ऊपर सही साबित हो इसका अगर ये नहीं कि हर महिला के ऊपर ये बिल्कुल सिम्टम सही साबित हो, क्योंकि हर बच्चे के अलग वो होते हैं। कुछ बच्चे मूवमेंट पहले करते हैं, कुछ लेट करते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अंदाजा लगा सकती हैं। थर्ड सिम्टम्स ऐसा माना जाता है कि अगर प्रेगनेंसी में आप फल बहुत ज़्यादा देखती हैं, जैसे आम, केला हो गया, ये फ्रूट सेब, जैसे ये फल आप ज़्यादा देखती हैं, तो इसका मतलब ये शुभ संकेत होता है कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये लक्षण दिखाई देता है तो एक आप अंदाजा लगा सकती हैं शायद आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो फ्रेंड्स, ये थे 3 ऐसे मेन सिम्टम्स जो ज़्यादातर माने जाते हैं कि अगर आपकी बॉडी में नज़र आते हैं तो बेबी बॉय हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, मैं एक बात वीडियो में और बता दूँ कि ये सिम्टम्स सिर्फ अंदाजा लगाने के लिए होते हैं, आप इससे 100% श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि जो सिम्टम्स अंदाजा लगाने के लिए होते हैं इनसे 100% श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि डॉक्टर को और भगवान को दोनों को ही पता होता है कि गर्भ में क्या है। तो फ्रेंड, जो भी हो आपका ही बेबी होगा, बॉय हो या गर्ल हो, तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रहती तो एक लाइक जरूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें डेली ऐसी यूजफुल वीडियो देखने के लिए। बाय बाय फ्रेंड्स।